हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूं आप सब सही होगे। तो गेमर्स, आज का वीडियो काफी ऑसम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में मैं वापस से लेके आ गया हूं अमंग अस का एक और ऑसम गेम प्ले, जिसको देख के यार आपको कतई मजा आ जाएगा। तो इसलिए यार जरा सा भी मजा मिस मत कर देना यार, मतलब कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, और वीडियो काफी मजेदार भी होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी इंट्रो के। तो फाइनली मतलब कि ऑलमोस्ट 30 गेम के बाद गाइज मैं इंपोस्टर बना हूं। मैं सच कह रहा हूं भाई, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं, एंड सब आप मेरी खुशी को समझ सकते हो। जो जो मेरी खुशी को समझ सकता है कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। कुछ भी। तो पहले तो यार यहाँ पे मैं एडमिन का मतलब यूज कर लेता हूँ, एडमिन मैप का, कौन बंदा अकेला है, ताकि यार उसे हम दबोच सके। मेड बे में एक बंदा है, सिक्योरिटी में दो बंदे, अपर इंजन में एक बंदा है, और हमारे साथ यार तीन बंदे हैं, पिंक, रेड और येलो। तो अभी यार पहले तो यार चलते थोड़ा बहुत मिशन करने की एक्टिंग करते हैं, थोड़ा एक्टर बनते हैं और थोड़ा एक्टिंग सुधारते हैं अपनी, ताकि बंदों को ऐसा लगे कि हम भी क्रूमेट ही है, वरना यार बंदे हम भी शक करेंगे। तो यार टास्क वास्क करना भी ना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट काम है, मतलब कभी कभी आप ऐसे टास्क करने की एक्टिंग कर जाते हो जो टास्क एक्चुअली होते ही नहीं है गेम में, और इसी वजह से पकड़े जाते हो। तो यहाँ पे रेड आ चुका है भाई, मतलब शेर के मुंह में भाई खुद ही आ गया ये। तो पहले लाइट्स ऑफ करता हूँ मैं और फटाक से मारता हूँ। अरे भाई नहीं, ब्लैक ने देख लिया, शिट। मतलब म्यूजिक कितना गलत सीन होता है मेरे साथ, मतलब गाइस तुम देखते हो हर बार मेरे साथ ऐसा कांड होता ही है। मतलब मैं किसी को भी मारूंगा ना तो कोई ना कोई बंदा प्रकट हो ही जाता है, पता नहीं कहां से। अब बस यार हम बचने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैंने वेयर तो लिख दिया है। अब यार पूरा जो खेल है भाई वो ब्लैक का है, क्योंकि ब्लैक ने देखा है हमको, तो यार अब वो लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करेगा एंड हमें वोट आउट करा देगा। तो भाई ओके, तो हमने लाइट्स ऑफ की थी इसलिए ब्लैक को यही नहीं पता चल पाया कि किस बंदे ने मारा है। उसने बस इतना देखा है कि कोई बंदा मरा है, बट उसको ये नहीं पता चला कि किस बंदे ने मारा है। तो हो सकता है कि हम बच जाए, मतलब मेरे को बस स्किप करने के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा। तो यार मैंने सारे बंदों को थोड़ा बहुत कन्विंस किया, सारे बंदों ने वोटिंग स्किप कर दी, और यार सीन वहां सही हो गया ना कि मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी। अगर मैं लाइट्स ऑफ नहीं करता ना तो शायद भाई मैं पकड़ा जाता अभी और गेम से बाहर हो जाता, और ये गेम प्ले भाई यही बर्बाद। तो यार जल्दी से चलते थोड़ा लाइट्स वाइट्स फिक्स कर लेते हैं, ताकि यार बाकी बंदों को हम पे भरोसा हो जाए। वैसे भरोसा तो है, किसी ने अभी तक शक नहीं किया है, तो भरोसे की भी बात आती नहीं है। तो यहाँ पे तो हम किसी को नहीं मार सकते। तो यहाँ पे भाई हो गए चार बंदे, अब पूरे बंदे जो बाकी के अकेले, तो सियान भी यही जा रहा है इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे ग्रीन अकेला है, तो ग्रीन को हम निपटा जरूर सकते हैं, बट यार हमको सियान ने देख लिया ना तो थोड़ा सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैप वैप में देख लेते, थोड़ा मैप कह रहा हूँ यार मैं भी, सिक्योरिटी कैम्स है इसका नाम। तो यहाँ पे यार कोई मतलब नहीं है रहने का, तो यहाँ से निकलते हैं एंड थोड़ा कोई अकेले बंदे को सुनसान जगह पे पकड़ के धोते अच्छा। तो यार थोड़ा बहुत चलते यार घूम फिरा के आते, देखते कोई बंदा हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्योंकि यार अभी सारे बंदे अपने मिशन करने में लगे हुए हैं और सारे बंदे यार झुंड झुंड में घूम रहे हैं, जो कि सही बात नहीं यार। ऐसे झुंड में मत घुमा करो जब भी आप क्रूमेट बनते हैं, क्योंकि यार इंपोस्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैमरा रूम में कोई वापस आ गया है, तो यहाँ पे नीचे चला जाए एडमिन रूम में। तो यहाँ पे यार ब्लैक जा रहा है, तो हमें किसी ने देखा तो नहीं है, तो हम ब्लैक को मार सकते हैं। तो जल्दी से चलते इसके पीछे पीछे। ओके, तो यहाँ पे पर्पल भी है, तो यार पर्पल ने अब देख लिया तो अब तो कोई सीन ही नहीं बनता इसे मारने का। तो यहाँ पे थोड़ा मिशन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मिशन तो है नहीं अपना, वैसे मिशन कर नहीं सकते यार, बट एक्टिंग करने में कितना वियर्ड लगता है। तो पर्पल को मारा जा सकता है, बट पर्पल को मार के कुछ मिलेगा नहीं यार, क्योंकि पर्पल को हम पे भरोसा है नहीं और उसे शक भी नहीं है, तो कोई सीन ही नहीं बनता है। तो यार नीचे चलते हैं, यहाँ पे कोई है क्या, देख चेक कर लेते हैं। एडमिन का यूज करके कौन का है, कैफेटेरिया में एक बंदा है, सिक्योरिटी में दो, मेडबे में एक बंदा है, तो पर्पल को मारते हैं, क्योंकि पर्पल अभी थोड़ा ज्यादा ही क्लोज क्लोज आ रहा है हमारे। तो यहाँ पे पर्पल को हमें निपटाना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पे ओ भाई नहीं, शिट गाइज, आपने नहीं नोटिस किया होगा बट यार कैमरेज ऑन थे, अगर यार उस बंदे ने मेरे को देख लिया होगा तो भाई सीन हो जाएगा। मेरे को कैफेटेरिया के थोड़ा आसपास रहना पड़ेगा, यूनिकॉर्न वहीं से आ रहा है दौड़ के। तो यार यूनिकॉर्न तो शायद कैमरा रूम में नहीं था, पिंक कलर यार पता नहीं यार अब कैमरा रूम में किसने मुझे देख लिया मारते हुए, बट यार अब मैं बता नहीं सकता यार, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो अभी कैमराज ऑफ हो गए, तो पक्के से यहाँ पे भाग के आ रहा होगा। तो यार गलत सीन होने वाला है यार, शिट। मतलब गाइज मैं हमेशा यार थोड़ा देखता नहीं आजू बाजू, मेरे को बस यार वो कहते हैं ना एकदम लालच लालच में घुस गया मैं यार पूरा, शिट यार। मतलब इतना सही गेम चल रहा है अभी भी, अगर नहीं यार कैमरा रूम में, ओके तो बॉडी रिपोर्ट हो गया, अब यार देखना पड़ेगा कौन बंदा था कैमरा रूम में। तो हम तो वापस से यार हु या वेयर लिखता हूँ, इस बार वेयर ही लिखता हूँ इस बार भी, क्योंकि यार हमको पता ही नहीं ना बॉडी किधर है, तो वेयर ही लिखता हूँ। तो यार अभी पूरा सीन बनता है कि कौन बंदा था, तो यार रिपोर्ट किसने की है वैसे, बॉडी रिपोर्ट की है ब्लैक ने, ओके तो ब्लैक ने दूसरी बार रिपोर्ट किया, ठीक है ओके, इसको व्हाइट पे चेक है भाई, गलत इनका तो कुछ भलता ही चल रहा है यार, तो ये सही हो जाएगा। तो यार बट वेयर लिख देते हम, थोड़ा यार एकदम इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं, और गाइस आप भी यही किया करो, क्योंकि यार कोई बंदा शक नहीं करेगा। तो देखो यार ब्लैक ने कह दिया सीधा कि उसको वाइट पे शक है, तो हो सकता है कि इस बार वाइट बाहर निकल जाए। तो आई डोंट नो हाउ द रूम इज कॉल्ड, ओके इसको पता ही नहीं भाई कि ये पहली बार खेल रहा है भाई, नूबड़ा ये पक्का गेम में।
तो भाई वो यार एक बार और सबकी आंखों में धूल झोंक के यार तुम्हारा भाई एकदम बच चुका है और सारे बंदों ने व्हाइट को वोट कर दिया है क्योंकि यार ब्लैक ने बोला था। अब यार मेरे को पता नहीं ब्लैक को किस तरह से उस पर शक है, बट यार आप सभी को पता है इम्पोस्टर कौन है और मुझे पता है इम्पोस्टर कौन है, तो किसी को बताना मत। तो यार अभी शांति से हम अपना काम शुरू करते हैं वापस से, चलते यार थोड़ा अभी किसी और बंदे को अकेले में ढूंढते हैं। अभी सारे बंदों को ऐसा लग रहा है कि मैं क्रू मेट क्योंकि यार मैंने थोड़ा अभी ज़्यादा बातचीत करी है, तो यहाँ पर यार हम थोड़ा अभी पिंक भाई पिंक को निपटा सकते हैं हम, क्योंकि पिंक ना भाई थोड़ा हम पे ज़्यादा ही भरोसा कर रहा है, तो पिंक को निपटाते फटाक से, हमारा किल कूल डाउन भी खत्म हो गया, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ पे सेफ रहते हैं यार हम, क्योंकि यहाँ पे कोई देख भी नहीं पाएगा हमें। तो फटाफट से यार मेरे को इस जगह से काफ़ी दूर जाना है ताकि यार हमें कोई इस बॉडी के आसपास ना दिख सके। तो भाई जैसे वो बंदा मरता है ना सीधा लीव ही कर दिया उसने गेम। तो अभी कहा है काफ़ी बंदे यार, सिक्योरिटी में एक बंदा पड़ा है एक लोअर इंजन में, तो हम लोअर इंजन चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा हम सेफ भी रहेंगे एंड बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दूर भी रहेंगे और हम पे कोई शक भी नहीं कर पाएगा क्योंकि हम बॉडी के आसपास भी नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल में कोई है क्या चेक कर लेते हैं, कोई होगा तो यहीं से निपटाते हुए चलते हैं भाई, पूरा गेम खाली करते हैं फटाफट से, जीतना है यार क्योंकि बहुत दिन हो गया यार इम्पोस्टर के गेम में मैं जीता नहीं हूँ कभी भी। तो यार अब सबसे पहले तो यार मैं सिक्योरिटी रूम वाले बंदे को निपटाऊंगा, तो भाई लगता है ये सियान ही है, मतलब यार बार बार ये लोग कैमराज ऑन कर देते हैं भाई, गलती फट जाती है यहाँ पे। तो यार आपने एक चीज़ नोटिस की कि अभी अभी नेविगेशन से ब्लैक बाहर निकला है और उसने बॉडी को देखा नहीं, तो यार अभी अगर वो बॉडी रिपोर्ट होती है तो यार हम ब्लैक पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं यार, मतलब कि उसे फंसा सकते हैं, बट यार हम अपने आप से नहीं फंसाएंगे, हम उसे सवाल ववाल करेंगे और वो खुद ही बक देगा ये चीज़ें। तो यार अभी तो बस मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा बस उस बॉडी को रिपोर्ट कर दे भाई जो गलत निपटाऊगा ना ब्लैक को। तो पहले तो यार चलते यार थोड़ा मेडबे वेडबे में चेक करते कोई बंदा है क्या, पहले रिएक्टर में तो कोई नहीं अभी फिलहाल, तो हम चलते यार ऊपर से थोड़ा एडमिन रूम में चलते हैं अभी एडमिन रूम में, क्योंकि ब्लैक गया है तो ब्लैक का आया पीछा करते थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कोई है या फिर नहीं भाई, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, मतलब मेडबे अक्सर ना मेरे को खाली दिखता है भाई मेडबे। तो ग्रीन यहाँ से जा रहा है, ग्रीन भी भाई पता नहीं क्यों गलत ही डरा हुआ है लोगों से, आड़ा टेढ़ा भगता रहता है भाई वो। तो ब्लैक तो यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो यहाँ पे सियान जरूर है, सियान अपने मिशन अभी कर रहा है क्योंकि जब से भाई कैमरा यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे मेरे को कहीं भी ब्लैक नहीं दिख रहा, तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, सैबोटेज थोड़ा यूज़ करता हूँ क्योंकि यार बहुत देर हो गया हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब डोर से लेके कुछ भी बन नहीं, बस मारे जा रहे लोगों को। तो यार यहाँ पे हम खुद ही ठीक कर देते हैं अभी क्योंकि कोई तो करने नहीं वाला, क्योंकि भाई मेरे को लिटरली पता है सारे बंदे इस गेम में काफ़ी आलसी है, कोई भी बंदा कुछ करने में उत्सुक नहीं दिख रहा है, तो मैं सभी चीज़ करता हूँ, तो मिशन भी मैं ही करता हूँ, लोगों को मारता भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं यार, कोई बॉडी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कितने स्लो खेल रहे हैं लोग बंदे। तो यहाँ पे ग्रीन भी, हम ग्रीन को भी एक साथ में निपटा सकते हैं, एक साथ दो किल, तो यहाँ पे तो यार इम्पॉसिबल है मारना। तो यार कैमरा यूज़ कर लेते थोड़ा बहुत, कोई है क्या, ओके तो ब्लैक वापस वही घूम रहा है भाई नेविगेशन में, तो अब ये कर दे भाई रिपोर्ट बस। यार अगर इसने अभी भी रिपोर्ट नहीं की ना बॉडी तो भाई ये एकदम नूबड़ा है। ओके तो इसने कर दी भाई, मतलब समझ रहे हो तुम्हारे भाई के शब्द कितने भारी है। तो पहले तो यार मैं लिखूंगा क्योंकि यार देखो ब्लैक ने तीन बॉडी लगातार रिपोर्ट किए, तो ऑब्वियसली उस पर शक जाना चाहिए, तो मैं अगेन ब्लैक हैज़ रिपोर्टेड द बॉडी लिख देता हूँ ताकि यार सारे बंदों को ये लगे कि हम ब्लैक पे सीधा शक कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली शक कर रहे हैं हम ब्लैक पे। अब ब्लैक का बस जवाब सुनना है मेरे को भाई, मतलब मैं कितने बंदे निपटा चुका हूँ अभी तक, मतलब मैंने तो यार ज़्यादा नहीं बस तीन किल किए होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा किल नहीं किए, बाकी सब तो लेफ्ट कर दे। तो द रूम विद द कंट्रोल्स, ये नेविगेशन की बात कर रहा है मेरे को पता है, और ये ट्राई कर रहा है इनोसेंट बनने की, बट यार अभी इसे फंसाते हम। वाई ओनली यू ओनली हैव रिपोर्टेड ऑल द बॉडीज, भाई ये लिखने का ना भाई गलत ही तरह आ सकता है मेरे को, मतलब कितना टाइम लगता है ना आप देखते हो, तो यहाँ पे इसे पोस्ट कर देते हैं। तो यार सब ओके भी लिख रहे हैं भाई, गो फॉर ब्लैक कह रहे हैं, मतलब देख रहे हो तुम्हारा भाई वट है भाई तुम्हारे भाई का वट। तो गाइस वापस से थोड़े बहुत माइंड गेम चला के मैंने यार ब्लैक को गेम से वोट आउट कर दिया है, लेकिन यार अब यार ग्रीन को मुझ पे हो गया है शक, लेकिन कोई उसको जाके बताओ कि भाई तू काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि लास्ट में तीन बंदे बच रहे हैं एंड अभी इनके साथ होने वाला है बहुत गलत वाला स्कैम, क्योंकि यार अभी देखो इमरजेंसी मीटिंग तो नहीं बुला सकते, तो मैं सैबोटेज का यूज़ करके रिएक्टर बुलाऊंगा। तो अब भाई ग्रीन की जो गलत फट चुकी है ना भाई, मतलब मैं भी होता तो मेरी भी फट जाती काफ़ी, क्योंकि जब आपको पता है कि इम्पोस्टर कौन है और मतलब वही चीज़ है, और जब यार आप जिंदगी से हार जाते हो ना तो कुछ ऐसी सियान वाली हालत होती है आपकी, मतलब एक जगह पे खड़ा है भाई वो बंदा ऑफलाइन है, तो यहाँ पे इनको घोषणा करते थे कि हम ही इम्पोस्टर है, हाँ भाई मैं ही हूँ, अब यार इसे मार दूंगा मैं क्योंकि हमारा किल कूल डाउन भी खत्म होने वाला है। तो चलो भाई बाय बाय। तो यही था गाइस आज के इस वाले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यही था गाइस वो मज़ेदार गेम प्ले। अब देखो यार ये गेम प्ले मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन आपको मज़ा आया या फिर नहीं ये मेरे को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, और यार कुछ अच्छे अच्छे कमेंट ड्रॉप करना यार ताकि मेरे को भी थोड़ा मज़ा आए, फनी मोमेंट्स वगैरह मेरे को थोड़ा टैग वैग करा देना कमेंट सेक्शन में। तो चलो गाइस यही था आज के इस वाले वीडियो में, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ सॉरी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सावधान रहिए, सतर्क रहिए और दिखते रहिए आयरन प्लेज। गुड बाय।